आज हम आप लोगों को ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम को देखा जाए तो ये चार भाग से मिलकर बना होता है। कितने भाग से मिलकर बना होता है? चार भाग। नंबर वन किडनी, नंबर टू यूरेटर और नंबर तीन में है यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा है यूरेथ्रा। अगर ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम की बात करें तो ये चार भाग से, प्रमुख चार भाग हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इसमें अगर किडनी की संख्या देखें ह्यूमन में तो ये वन पेयर होता है। कितना होगा? वन पेयर। यूरेटर भी कितना होगा? वन पेयर। यूरिनरी ब्लैडर की संख्या कितनी होगी? वन। और यूरेथ्रा की संख्या कितनी होगी? वन। अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि जो इस ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम है इसकी ओरिजिन कैसी है, इक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, इंडोडर्मल। तो अगर किडनी को देखें इसकी ओरिजिन मीजोडर्मल है। यूरेटर ये भी मीजोडर्मल। यूरिनरी ब्लैडर इंडोडर्मल। और यूरेथ्रा मीजोडर्मल। तो यहां देख रहे हैं यूरेथ्रा, यूरेटर और किडनी ये सब क्या है? मीजोडर्मल है। एक अपवाद है, एक्सेप्शन है यूरिनरी ब्लैडर जो इंडोडर्मल है। इसीलिए अक्सर पूछा जाता है यूरिनरी ब्लैडर किस जर्म लेयर की बनी होती है या ओरिजिन कैसी होती है। इसकी ओरिजिन इंडोडर्मल होती है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं किडनी में। तो ह्यूमन में क्या होता है? एक पेयर किडनी पाई जाती है। और किडनी जो होती है हमारे ये हमारा वेंट्रल पार्ट है और बैक साइड वाला पीछे वाला पार्ट जो होता है हमारा डार्सल पार्ट है। तो डार्सल साइड में पीछे पेल्विक रीजन में, ठीक है, डार्सल साइड में पेल्विक रीजन में दोनों लेटरल साइड में ये किडनी पाई जाती है। तो कह सकते हैं किडनी जो होती है वो डार्सो लेटरल पोजिशन पे होती है। कैसी होती है? डार्सो लेटरल। ठीक है, किस रीजन में? पेल्विक रीजन में। अगर किडनी को हम देखें तो इधर आते हैं फिगर पे। अगर हम किडनी को देखें तो इसमें देखिए एक पेयर किडनी है। किडनी में राइट किडनी जो होती है, ठीक है ना, राइट किडनी जो होती है लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होती है। ठीक, पोजीशन देखिए राइट किडनी लेफ्ट किडनी की तुलना में थोड़ा सा नीचे होती है। क्यों नीचे होती है? क्योंकि राइट किडनी के ऊपर यहीं पे लीवर पाया जाता है, इसलिए इसका पोजीशन थोड़ा सा नीचे है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि जो किडनी हमारी होती है वो कहाँ पाई जाती है? किडनी लास्ट थोरैकिक से लेकर थर्ड लंबर के बीच में। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, T12 to L3। ठीक है, पोजीशन अगर देखें तो लास्ट थोरैकिक से लेकर थर्ड लंबर के बीच में। ठीक, लास्ट थोरैकिक, लंबर फर्स्ट, लंबर सेकंड, लंबर थर्ड, इनके बीच ये सिचुएटेड होती है। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी हमारी रेट्रो पेरिटोनियल नेचर की होती है। ठीक है, कैसा है? रेट्रो पेरिटोनियल। इसका पोजीशन रेट्रो पेरिटोनियल होता है। अब बात आते हैं रेट्रो पेरिटोनियल क्या है, इसको समझते हैं। रेट्रो पेरिटोनियल क्या होता है पूछ लिया आता है रेट्रो पेरिटोनियल। आइए देखते हैं रेट्रो पेरिटोनियल क्या चीज है। एक सेकंड, अगर हम रेट्रो पेरिटोनियल की बात करें तो देखिए ये हमारे लैटरल साइड में किडनी है। मान लीजिए ये डार्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है, ये किडनी है और ये पेरिटोनियम लेयर है। और ये एब्डोमिनल कैविटी है। तो इस तरह हम देखते हैं किडनी जो होती है वेंट्रल साइड में
ठीक है, पेरिटोनियम लेयर से ये घिरी होती है, वेंट्रल साइड में पेरिटोनियम लेयर से घिरी होती है, लेकिन डार्सल साइड पे ये फ्री होती है। इस तरह के पोजीशन को रेट्रोपेरिटोनियल कहा जाता है। कंपटीशन पूछा था रेट्रोपेरिटोनियल क्या है, ठीक है, तो रेट्रोपेरिटोनियल में वेंट्रल साइड में ये घिरी होती है पेरिटोनियम लेयर से और डार्सल साइड पे फ्री होती है, तो ये पोजीशन हो गई, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल। अगर हम किडनी में किडनी की कवरिंग की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, किडनी में जो कवरिंग पाई जाती है इसको हम देखें जरा, ठीक है, एक सेकंड इसमें देखते हैं। तो किडनी में तीन लेयर पाई जाती है, किडनी में कितनी लेयर पाई जाएगी, तीन लेयर। अगर किडनी में लेयर की बात करें तो इसमें कितनी लेयर पाई जाएगी, कवरिंग जो होती है इसकी तीन लेयर की बनी होती है। कौन कौन सी लेयर है, आउटर लेयर जिसको हम कहते हैं रीनल फैसिया, आउटर लेयर जो किडनी की होगी क्या कहलाएगी, रीनल फैसिया। रीनल फैसिया का काम क्या है, रीनल फैसिया की सहायता से ये एब्डोमिनल रीजन में डार्सल साइड से अटैच होगा, किडनी एब्डोमिनल रीजन में डार्सल साइड से, ठीक है, किससे अटैच होगा, रीनल फैसिया के द्वारा। दूसरा आता है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर जो होता है एडिपोज लेयर होता है, एडिपोज लेयर जिसमें एडिपोज नाम ही बता रहा, फैटी टिश्यू पाए जाते होंगे, तो फैटी टिश्यू पाए जाने के कारण ये लेयर जो होता है वो शॉक एब्जर्वर है, कोई धक्का वक्का लगता है तो उसे बचाता है, ठीक है। तीसरा लेयर जो है इनर लेयर, वो क्या है, रीनल कैप्सूल। इनर लेयर क्या है, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल जो होता है किडनी को इंफेक्शन से बचाता है। इस तरह हम देखें कि जो किडनी की कवरिंग होती है उससे उसके कवर के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। अब हम आते हैं किडनी पे, अगर हम किडनी को देखें तो प्रत्येक किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, प्रत्येक किडनी के ऊपर क्या पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड। और किडनी से हम देखते हैं कि किडनी में एक गड्ढा पाया जाता है, एक डिप्रेशन पाया जाता है, इस गड्ढे को क्या कहते हैं, हाइलम। ये क्वेश्चन आया आ चुका है कंपटीशन में कि किडनी में जो गड्ढा पाया जाता है या किडनी में जो गड्ढे से ये यूरेटर या रीनल आर्टरी रीनल वेन निकलती है उसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो और किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको हम दूसरे वीडियो में करेंगे, किडनी के बारे में यहां इतना ही। अब हम आते हैं किस पे, यूरेटर पे। तो प्रत्येक किडनी में हम देखते हैं एक पेयर यूरेटर निकला होता है, कितना निकला होता है, एक पेयर यूरेटर निकला होता है। और दूसरा चीज हम यहां देख लें, किडनी से क्या निकला होता है, किडनी से रीनल वेन निकली होती है और इधर क्या निकली होती है, रीनल आर्टरी। इसमें किडनी में ब्लड जो लाता है कौन लाता है, डार्सल एओर्टा, ये मोटा वाला पार्ट जो होता है वो डार्सल एओर्टा क्या करता है, ब्लड लाता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है। किडनी में सप्लाई किससे हो रही है, डार्सल एओर्टा से, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर किससे जा रहा है, इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा, इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, प्योरिफिकेशन के लिए, लंग में जाएगा, हार्ट के थ्रू लंग में जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक। तो जो यहाँ पे ब्लड यहां से निकल रहा है जिस वेसल्स के द्वारा उसे कहेंगे रीनल वेन, और जो शुद्ध रक्त ला रही है उसे क्या कहेंगे, रीनल आर्टरी, ठीक। अब हम देखते हैं किडनी में एक पेयर यूरेटर होता है जो हाइलम रीजन से निकला होता है। यूरेटर आके कहां खुल रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, और यूरेटर की जो वाल होती है, इंड होता है, वो ऑब्लिक होता है। यूरेटर का इंड क्या है, ऑब्लिक होता है। क्यों ऑब्लिक होता है, क्योंकि यूरिन का बैक फ्लो ना हो। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि यूरेटर में जो इसकी अंदर वाली दीवार है वो ट्रांजिशनल इपिथीलियम की बनी होती है, जो इलास्टिक नेचर की होती है। अब हम आते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे। अगर यूरिनरी ब्लैडर को देखा जाए, ठीक है, तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर इसके। अगर इसको यहां फिगर बना के देखें, ये यूरिनरी ब्लैडर है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर वाली जो इनर लेयर होती है वो भी किसकी बनी होती है, ट्रांजिशनल इपिथीलियम की। और इस ट्रांजिशनल इपिथीलियम में एक स्ट्रेच रिसेप्टर पाया जाता है। इस ट्रांजिशनल इपिथीलियम में क्या पाया जाता है, स्ट्रेच रिसेप्टर। ये सब क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर है,
जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल होता है, ठीक है, क्या हो रहा है, यूरिन फिल हो रहा है, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर इस इंफॉर्मेशन को किसको भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर को देखें, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके इनर वॉल पे क्या पाया था, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में पाया जाता है स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, इनका काम क्या है, जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल होने लगता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर ये संदेश भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसी समय इस गॉल ब्लैडर क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है। और यहां पे पाया जाता है जो यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर किसमें ओपन हो रहा है, यूरेथ्रा में, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में अगर देखें तो यहां पे दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं। यूरेथ्रा में क्या पाए जाते हैं, दो स्फिंक्टर, एक आउटर स्फिंक्टर होता है, ये क्या है, आउटर स्फिंक्टर, और ये अंदर वाला क्या है, इनर स्फिंक्टर। आउटर स्फिंक्टर जो होता है वो वॉलंटरी नेचर का होता है, और इनर वाला जो होता है इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। तो हम यहां देख रहे हैं आउटर जो स्फिंक्टर है वो कैसा है, वॉलेंट्री नेचर का, और अंदर वाला क्या है, इनवॉलेंट्री नेचर। मतलब ये हुआ कि आउटर स्फिंक्टर जब रिलैक्स होगा तभी यूरिन यहां से बाहर जाएगा, और रिलैक्स कब होगा, जब स्ट्रेच रिसेप्टर ये भर जाएगा, ये जब भरेगा यूरिनरी ब्लैडर, स्ट्रेच रिसेप्टर भेजेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मैसेज, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तब आएगा मैसेज कि यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट करे, और ये रिसेप्टर जो आउटर है वो रिलैक्स हो, उसके फलस्वरूप यूरिन बाहर आएगा। तो किसी भी यूरेथ्रा से जो यूरिन बाहर आता है, इस प्रोसेस को कहते हैं मिक्ट्यूरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मिक्ट्यूरेशन। देखिए ये लिखा है, तो पूछा जाता है मिक्ट्यूरेशन क्या है, ठीक है, यूरिन का बाहर आना, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा से बाहर आ जाना, तो यही कहलाएगा मिक्ट्यूरेशन। तो इस तरह हम आज किडनी के कौन कौन से, इस ह्यूमन स्ट्रिटी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के बारे में डिटेल जाने, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।